आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो हम लोग ऐसा प्रण लें, ऐसा संकल्प लें कि हर किसी के जीवन में खुशियां आए। जब हम लोग दूसरों के बारे में भला सोचते हैं तो अपना भला स्वयं ही हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उनको अपने लिए अच्छा करना पड़ता है, उनका अच्छा स्वयं ही हो जाता है। निगाहें नाच करती है पलक के आशियाने से, मैं भी अक्सर रूठ जाता हूँ किसी का दिल दुखाने से। तो जब हम लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, तो वो शोषण दूसरों का नहीं होता, अपना मानसिक शोषण होता है। इसी तरह से जब हम लोग दूसरों की तारीफ करते हैं, दूसरों को हौसला बढ़ाते हैं, दूसरों को अच्छा बताते हैं, दूसरों की क्वालिटी का बखान करते हैं, तो ये हम लोग अपना चरित्र निर्माण कर रहे हैं। खिड़कियों की सलाखों से देखा नीचे कीचड़, तो ऊपर आसमान में देखा, किसी ने कीचड़ में कमल देखा तो किसी ने चमकते चांद में भी दाग देखा। अपना एटीट्यूड है, दृष्टिकोण हमारा क्या है, हम किसी भी चीज़ में क्या देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत से कार्यक्रम होते हैं, मैं कहता हूँ कि भव्य से भव्य कार्यक्रम होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो बहुत बड़े कार्यक्रम में भी नुक्स निकाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी चीज़ में भी बहुत अच्छा खोज लेते हैं। ये उनकी दृष्टि होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसलिए हम लोग अपने दृष्टिकोण को हमेशा उच्च बनाएं। और खेल जो है, खेल तो एक ऐसी विधा है, चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो हॉकी है, जब बड़े स्तर के ऊपर प्लेयर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि, उनका दृष्टिकोण बहुत ही उच्च होता है। और ये दृष्टिकोण अगर हर व्यक्ति का पॉजिटिव या अच्छा हो जाए तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। कि हो जाएगा सफ़र आसान, आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो कुछ हम बदल कर देखें। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र जी कड़वासरा, राकेश जी सिहाग हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले जैसा कि कहते कि खुदा के रहमो करम पर हम नाज करते हैं, खुदा के रहमो करम पर हम नाज करते हैं, वही मालिक है जिसके नाम से हर काम का आगाज़ करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम, इसका आगाज़ माँ शारदे के आगे पुष्प अर्पित करके हमारे अतिथि मंच पर पहुँचेंगे। ग्रामवासियों की गरिमा में उपस्थिति, इनका साथ हमारे अतिथियों को मंच तक लेकर आएंगे। यही सम्मान और यही सत्कार हमारी भारतीय परम्परा है। इस परंपरा को उज्जवल करने के लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा इसी तरह से जुड़े रहें, इसी तरह से हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहें। तू गम दे या खुशी दे, ये तेरा सलूक है, हम बेनयाज हो गए दामन पसार के। विद्या और कला की देवी माँ शारदा के आगे पुष्प अर्पित करके आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे इस मुख्य मंच पर पहुँचेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राजेंद्र जी कड़वासरा, प्रांत महामंत्री क्रीड़ा भारती, एक प्रेरणा के रूप में हमारे बीच में पहुँचे हैं, इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और कहते कि आसमान की ऊंचाइयों पर हम प्रवास करते हैं, आए हैं जो मेहमान उनके सब सम्मान का ताज धरते हैं। विद्या की देवी माँ शारदा को करके सजदा, आज के इस खेल कार्यक्रम का, इस शुभ सभा का आगाज़ करते हैं। तो ये हमारी परंपरा, भी किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम अपने इष्ट देव, हमारी आस्थाओं के आगे सर झुकाते हैं। हम सब प्यासे हैं मधुकण के लिए, जीवन में जीते हैं बस एक क्षण के लिए, पर क्या हमने एक क्षण भी कभी सोचा है कि जीवन है हमारा समर्पण के लिए। जो लोग समर्पित होते हैं, चाहे वो किसी भी विधा के लिए, अपने खेल के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य के लिए जो समर्पित होते हैं, समाज के लिए समर्पित होते हैं, वो लोग हमेशा समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। और इन्हीं के सहारे या इन्हीं के दम पर समाज चलता है। तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी बच्चे, जोरदार क्लैपिंग के साथ आज के इस भव्य दिन का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं, ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं, उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। अभी उनका पुष्पों के साथ अभिनंदन कि हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, पर आपके आने पर पलके बिछाते हैं। तो पुष्पों के साथ इनका स्वागत। ये फूल, ये कलियां, ये भाव है, ये कोई पदार्थ नहीं, ये भाव है।
और इस भाव के साथ ये छोटे छोटे बच्चे अपनी ड्रेस में सुसज्जित हैं और ये हमारे एनसीसी के वॉलेंटियर पूरी मुस्तैदी के साथ एक अनुशासन यहाँ पर छोटे से कार्यक्रम में अनुशासन यहाँ पर देखने को मिला है और एक सम्मान और प्यार यहाँ पर देखने को मिला है। तो पुनः पुनः श्री राजेंद्र जी कड़वासरा प्रांत महामंत्री क्रीड़ा भारती इनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं।